दुमका के दहगांव गांव की महिलाओं ने अवैध शराब बिक्री का विरोध करते हुए राज्य के आबकारी शुल्क कार्यालय और वरोरा थाने का घेराव करने की चेतावनी दी है। सरपंच विशाल पारखी के नेतृत्व में दहगांव की महिलाओं ने वरोरा थाने में शिकायत दर्ज कर शराब बिक्री पर तुरंत कार्रवाई कर बंद करने की मांग की है। ग्राम पंचायत दहगांव में 24 मार्च को मासिक ग्राम सभा में गांव के महिला एवं पुरुषों ने अवैध शराब की बिक्री के संबंध में बहुमत से प्रस्ताव पारित किया है। इसके बावजूद शराब बिक्री बंद नहीं होने पर सैकड़ों महिलाओं ने वरोरा थाने में शिकायत दर्ज की और वरोरा के थानेदार को दहगांव गांव की महिलाओं ने वरोरा थाना जाकर अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने कहा कि गांव की महिलाएं रोजाना के झगड़ों घरेलू झंझटों का शिकार हो रही हैं और गांव में अवैध शराब की मात्रा काफी बढ़ गई है। इससे गांव में झगड़ा चौक में गाली गलौज घर की महिला से मारपीट छेड़खानी व चोरी की समस्या बढ़ गई है। हालांकि समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए महिलाओं ने गांव में शांति और व्यवस्था का माहौल बनाने के लिए अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की पुलिस से अपील की है। महिलाओं ने रोष जताते हुए मांग की कि यदि राज्य आबकारी शराब कारोबार पर अंकुश नहीं लगाया गया तो गांव की महिलाओं को भी शराब बेचने की खुलेआम अनुमति दी जाए, क्योंकि दारू बिक्री पुलिस और आबकारी विभाग की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती, चाहे वो वैध दारू बिक्री हो या अवैध दारू बिक्री हो। दहगांव की महिलाओं की इस अचंभित करने वाली मांग से पुलिस अधिकारियों के समक्ष चुनौती खड़ी कर दी। वरोरा थानेदार कचोरे ने पुलिस कर्मचारी को कड़ी कार्रवाई करने का आदेश देने से आंदोलनकर्ताओं का रोष थोड़ा कम हुआ है। मी ग्राम पंचायत दहगांव इथं सरपंच आहे आणि आमच्या ग्राम पंचायतच्या मासिक मीटिंगमध्ये सर्व महिलांनी येऊन दहगावमध्ये चालणारी अवैध दारू ही बंद झाली पाहिजे या संदर्भात ग्रामपंचायतला निवेदन दिलं होतं। त्या अनुषंगाने आज आम्ही वर्रा पोलीस स्टेशन येथे सर्व महिला व त्यांच्यासोबत मी वर्रा पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार यांना निवेदन देण्याकरिता सर्व महिलांसोबत वर्रा पोलीस स्टेशनला आलेलो आहोत। दहगावमध्ये चाललेली अवैध दारू विक्री हा प्रश्न खूप मोठा गंभीर आहे। यात कितीतरी कुटुंबाचा संसार उद्ध्वस्त होत आहे, त्यामुळे कामं करणारे चांगले मुलं माणसं हे बिघडत आहे आणि या माध्यमातून महिलांना खूप अतोनात त्रास होत असल्याकारणाने आज सर्व महिला वर्रा पोलीस स्टेशनमध्ये दारू अवैध दारू बंद करण्यासंदर्भात निवेदन देण्याकरता इथं आलेल्या। वरोरा से BCN न्यूज के लिए चेतन लुथेड़े के साथ सुनील तायडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।